कल रात में जेएसबी लेकर आए थे कि रातों रात इसको माई का स्थान जो है कि कोड़ करके हटवा दिया जाए, लेकिन लोगों ने यहाँ पे देखा तो जो है कि भगाया तो भगा है लोग जेएसबी लेकर के। रात में लेकर आया था जेएसबी खुदवाने के लिए पेड़ को, जो है कि नीम का पेड़ है, माई का स्थान है, ये सब जो है। जी मुखिया जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे है कि क्या आप इन सब सामाजिक बंधनों से मुक्त हैं? क्या इन सामाजिक व्यवस्था में आपका विश्वास नहीं है? बेस्ट है कि इसको जहाँ भी आपको बनवाना है गांव से कहीं बाहर देख लिया जाए, ऊंची जगह पे बना दिया जाए। तो गांव से ये भी तो गांव से बाहर ही है ना? बाहर है सर, लेकिन गांव यहाँ पे स्थान है ना, स्थान नहीं बनना चाहिए, सब कचरा जमा करने वाला वो सब नहीं बनेगा। फिर स्थान के पास कोई दिक्कत नहीं, स्थान सर जो भी कुछ है यहाँ पर मुखिया को आना चाहिए, बताना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, यहाँ पर नहीं बन पाएगा, समझे? नहीं बनना चाहिए। पंचायत रसूलपुर पंचायत के लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ये अनुचित है या उचित है, क्या यहाँ बनना चाहिए, और नहीं बनना चाहिए तो कहाँ बनना चाहिए, ये भी पंचायत के लोगों की जिम्मेदारी है। क्या जी कहाँ बनेगा आप ही लोग ना बताएंगे, जब आप लोग रोक लगा रहे हैं। राय लिया जाएगा कि किसी से गांव के आदमी तब ना बोलेंगे, सब लोग इकट्ठा होगा, सब मुखिया जी बोलेंगे कि ये बन रहा है या बने या नहीं बने, उसके बाद ही ना कोई बोलेगा। चुपचाप काम कर रहे हैं, उससे यहाँ पे आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, पहले ये बात बता दें। 50 बरिस से ऊपर भाई, हम 70-80 बरिस का हैं। इसको सोचना चाहिए आपको कि कितना दूर तक इसका बदबू जाएगा। पहला फर्स्ट चांस है कि देखिए नजदीक पास पूरे घर बनी पड़ी है। जी। 99% मांस मछली खाने वाले लोग हैं, है कि नहीं है? और किसी भी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा के पास अगर ये कचरा फेंका जाए तो ये अनुचित है मुखिया। गांव का लोग कहा है कि पंचायत का लोग कहा है कि यहाँ नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे माई का स्थान है, बगल में मंदिर है, छठ घाट है, और रास्ता भी है, सब पूरा गांव का जो है कि लेडीज बच्चा सियान सब आदमी जो है कि आता जाता है। करेंगे मुखिया जी से कि सभी वार्ड को बैठा के और पब्लिक जो है हर गाँव से 5 पब्लिक अच्छा बुरा जो भी है बैठा कर सलाह लेना चाहिए कि कहाँ सुखता बने, कहाँ कचरा स्थल बने, किसी मंदिर के पास बनाना उचित नहीं है हमारे ख्याल से। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार भारती है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीजीएन एक सच। आज मैं फिर से सिवान जिले के बहरिया प्रखंड के रसूलपुर पंचायत के शेखपुरा गांव में हूं, और यहां पे ये तमाम लोग दिखाइए, इस तरफ महिला, पूरी महिला लोग हैं पूरे पंचायत के, और इधर पूरे पंचायत के पुरुष लोग हैं। मेरे साथ मौजूद पूर्व मुखिया पति साधु जी हैं, 8 नंबर के वार्ड दूनाथ जी हैं और 9 नंबर के वार्ड शैलेश जी हैं। और यहाँ पे देखिए एक अजीबो गरीब मामला हो रहा है पंचायत में कि ये एक पूजा स्थल है, दिखाइए इसको थोड़ा नज़दीक ला के, ये पूजा स्थल है, यहाँ पे पूरे गाँव की शेखपुरा गाँव की महिलाएँ पूजा करने के लिए आती हैं। ये सायरा माई हैं, सायरा माई अक्सर गांव से बाहर ही रहती हैं, और यहाँ पे कुछ भावली ज़मीन है, ये लोग जो खड़े हैं, महिलाएं जो खड़ी हैं ये, और मेरे दाहिने साइड में इधर थोड़ा दिखाइएगा, ये भावली ज़मीन है यानी सरकारी ज़मीन है, वो महुआ वाला जो व्यक्ति खड़ी है, वो महिला खड़ी है, वो प्राइवेट ज़मीन है यानी उनकी काश्तकारी ज़मीन है। और यहाँ पे चेंबर बनने जा रहा है पूरे पंचायत का, जो डस्टबिन लगेगा, जो कचरा होगा वो यहाँ पे डंप किया जाएगा। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, मुखिया जी सराहनीय काम कर रहे हैं कि विकास के कार्यों में गांव के लोगों को मदद करना चाहिए, ना कि अड़ंगा लगाना चाहिए। मुझे पता चला कि ये लोग अड़ंगा लगा रहे हैं, मुखिया जी को यहाँ पे काम नहीं करने दे रहे हैं। हालांकि क्या सच्चाई है, मैंने उनको फ़ोन किया, कॉल रिकॉर्ड भी है मेरे पास, और उनसे जब मैं जानने का प्रयास किया कि मुखिया जी क्या आपके गाँव में, शेखपुरा गाँव में कुछ लफड़ा हुआ है, तो उन्होंने बताया मुझे कि नहीं कोई बात नहीं है, मुझे ही जानकारी नहीं है, तो आपको कैसे जानकारी हो गई। तो मैंने बोला कि हमारा काम ही है तो हम एक लोग बता देते हैं, तो मुखिया जी ने कहा कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे गांव में सब ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है मुखिया जी, अगर आपको ज्ञात नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे ये लोग बोल रहे हैं, इन लोगों का आरोप है कि आप यहां पूरे पंचायत का चेंबर बनाने जा रहे हैं। तो ठीक है, चेंबर तो बनना चाहिए, तो आप लोगों को क्या समस्या हो रही है इस चेंबर बनाने से? यहाँ पे चेंबर बनाने से दिक्कत यही है कि यहाँ अगल बगल पूरा घर आज 2 साल के अंदर बनने वाला है, प्लस यहाँ स्थान है, पूरे गांव का मतलब आदमी इधर से आना जाना है, अगर यहाँ चेंबर बनता है तो आदमी को आने में दिक्कत होगा, परेशानी होगा, इसलिए मुखिया जी से रिक्वेस्ट है कि इसको जहाँ भी आपको बनवाना है गांव से कहीं बाहर देख लिया जाए, उचित जगह पर बना दिया जाए।
तो गांव से ये भी तो गांव से बाहर ही है ना। बाहर है सर, लेकिन गांव यहाँ पे स्थान है ना, स्थान नहीं बनना चाहिए सब कचरा जमा करने वाला, वो सब नहीं ना बनेगा फिर। स्थान के पास कोई दिक्कत नहीं है सर, जो भी कुछ है यहाँ पर मुखिया को आना चाहिए, बताना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। यहाँ पर नहीं बने, नहीं बन पाएगा समझे। यहाँ स्थान है, हम लोग का पूजा पाठ करते हैं, बगल में छठ है जी, बगल में मंदिर है, यहाँ पे नहीं बनना, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, यहाँ स्थान है, यहाँ नहीं बनना चाहिए। इतना दूर तक इसका बदबू जाएगा, इसको सोचना चाहिए आपको कि कितना दूर तक इसका बदबू जाएगा। पहला फर्स्ट चांस है कि देखिए नजदीक पास पूरे घर बनी पड़ी है जी, जी, जी। आपके सामने बस्ती है, इधर भी बस्ती बनी पड़ी है जी, ठीक है। और यहाँ पर एक पूजा होता है, यहाँ पर बनाना चाहिए कि कहीं अल्टा जगह होता है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए अल्टा जगह है, गांव से बाहर होता है, उसके जगह में कचरा का स्थान बनता है, यहाँ बीच गांव में नहीं बनता है। अब मुखिया जी चाहते हैं कि जहां मर्जी करे वहां बनवा दिए, अच्छा बात नहीं है। इन सब सामाजिक बंधनों से, इन सामाजिक वातावरण जो है, सामाजिक जो व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है उससे तो परे नहीं है। जो भी सामाजिक बंधन है, जो पूजा पाठ है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उससे तो वो परे नहीं है। उन्होंने अगर उनको बनाना है तो पूरे पंचायत के लोगों को एकत्रित करेंगे, पूरे वार्ड महोदय हैं हमारे, ये लोग बैठेंगे, एक मीटिंग करेंगे, क्या उचित है अनुचित का फैसला होगा, तो वो कर सकते हैं। चूँकि वो भी मुझे नहीं लगता है, क्या मुखिया जी ये सही बात है। यहाँ पे तो सब पूरा गांव का लोग का है कि पंचायत का लोग का है कि यहाँ नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे माई का स्थान है, बगल में मंदिर है, छठ घाट है, और रास्ता भी है, सब पूरा गांव का जो है कि लेडीज बच्चा सियान सब आदमी जो है कि आता है जाता है यहाँ पे, पूरे पंचायत का कचरा यहाँ पे जो है कि आएगा तो ठीक नहीं है सब। तो कहीं ना कहीं बने क्या बात, उससे कोई राय मशवरा होता है ना, मीटिंग होती है, आप लोग थे उसमें शामिल है? नहीं, हम लोग उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन हम आग्रह करेंगे मुखिया जी से कि सभी वार्ड को बैठा के और पब्लिक जो है हर गांव से पांच पब्लिक, अच्छा बुरा जो भी है, बैठा कर सलाह लेना चाहिए कि कहां सुखता बने, कहां कचरा स्थल बने। किसी मंदिर के पास बनाना उचित नहीं है हमारे ख्याल से जी। कोई भी पूजा स्थल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, और वहाँ पे चेम्बर बनाना, कचरा फेंकना उचित नहीं है। चूँकि वहाँ पे लोग पूजा पाठ करने के लिए, सुख शांति पाने के लिए लोग जाता है, और वहाँ पे पूरे पंचायत का लोग आज 99% मांस मछली खाने वाले लोग हैं, है कि नहीं है? और किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा के पास अगर ये कचरा फेंका जाए तो ये अनुचित है मुखिया जी। शायद ये चीज़ आपको भी मालूम होगा कि किसी भी मंदिर, मस्जिद के जगह पे, चर्च, गुरुद्वारा के जगह पे ये सब चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं। हालांकि पूरे पंचायत में ये लोग बता रहे हैं कि 14 कट्ठा इधर कहीं है ना कोई जमीन, आप लोग बता रहे हैं 14 कट्ठा कहाँ पे? स्कूल के बगल में है उधर, लेकिन वो भी तो वहाँ भी तो नहीं बनना चाहिए, स्कूल के बगल में वहाँ भी नहीं बनना, वहाँ भी नहीं बनना चाहिए, स्कूल है वहाँ पे बगल में। मतलब आप लोग एक मीटिंग करके इसके लिए तो समाधान अब तो ढूंढना है ना, बनवाना तो है ना जी, बनना चाहिए, हाँ बहुत जमीन है पंचायत में। किया जा रहा है कि मुखिया जी बैठक करें शेखपुरा गाँव में, जब शेखपुरा गाँव में काम कराना है तो बैठक करें, पब्लिक को बैठाएं, सलाह लें और उसको विकास के काम किया जाए। अच्छा एक चीज और, थोड़ा महिला लोगों से हम बात करेंगे कि कितने वर्षों से यहाँ पे आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, पहले ये बात बता दीजिए। 50 बरिस से ऊपर भाई हम 70-80 बरिस का हई, 50 बरिस से ऊपर भाई। सही बात है, ये दादी का उम्र 80 साल है लगता है, 80 साल है, लेकिन ये झूठ नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि गांव के लोगों का यहाँ पे धर्म स्थल है, यहाँ पे धार्मिक भावना जुड़ा हुआ है इससे। तो पूजा पाठ जी करी लेना, करी लेना, हाँ करी लेना, सभा कर ला पूजा पाठ, सारे लोग पूजा पाठ कर ला, सब लोग पूजा कर ला, सावन लोग करियो की चढ़ेली, सब चढ़ेली आई जो, हाँ सब चढ़े लीजिए सर जी। देखी ए जी काम बही है, जो कुछ भी होता होखो, बाकी ए जी ना होखे के चाहिए, का है अत ए जी पूजा करे आईली, आ ना तो गांव में कौनो खड़मंडी होई तो रिक्स जेकर होई से करी से ओकर बुझी जी। बात खत्म जी। मुखिया जी और सब, खास करके बीडीओ साहब, बहरिया के बीडीओ साहब और सीओ साहब से विनम्र पूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि कृपया त्वरित यहां पे आया जाए, इसकी जांच किया जाए, क्योंकि काफ़ी ये मामला जो है सेंसिटिव है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गांव के लोग जो हैं थोड़ा सा उग्र हैं, क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का भी कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है, क्या जी? हाँ हाँ हाँ।
एक एक तो जो सामाजिक बंधन है हमारा, जो यहाँ पे देख सकते हैं साफ तौर पे, यहाँ पे एक चाची थी अभी पूजा भी कर रही थी, तो उसको भी ठेस पहुँच रहा है। प्लस में ये जो भी अगल बगल के जो काश्तकारी जमीन वाले हैं वो लोग बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे घर बनाना है, तो क्या किसी घर के सामने किसी के दरवाजे पे कचरा फेंका जा सकता है? और पूरे पंचायत रसूलपुर पंचायत के लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ये अनुचित है या उचित है, क्या यहाँ बनना चाहिए, और नहीं बनना चाहिए तो कहाँ बनना चाहिए, ये भी पंचायत के लोगों की जिम्मेदारी है क्या जी? कहाँ बनेगा आप ही लोग ना बताएंगे, जब आप लोग रोक लगा रहे हैं। राय लिया जाएगा कि किसी से गांव के आदमी तब ना बोलेंगे, सब लोग इकट्ठा होगा, सब मुखिया जी बोलेंगे कि ये बन रहा है या बने या नहीं बने, उसके बाद ही ना कोई बोलेगा। चुपचाप काम कर रहे हैं, मुखिया जी हिंदू से हटकर नहीं ना स्थान है, पर उनको बोलना चाहिए स्थान है बने या ना बने, ये अलग बनाया जाए, कोई कुछ तो उसका निर्माण निकलता ना, तो पूछते तब ना, जब पूछे ही नहीं तो क्या बोले। कल रात में जेएसबी लेकर आए थे कि रातों रात इसको माई का स्थान जो है कि कोड़ करके हटवा दिया जाए, लेकिन लोगों ने यहाँ पे देखा तो जो है कि भगाया तो भगा है लोग जेएसबी लेकर के, रात में लेकर आया था जेएसबी खुदवाने के लिए पेड़ को, जो है कि नीम का पेड़ है, माई का स्थान है, ये सब जो है। जी मुखिया जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे है कि क्या आप इन सब सामाजिक बंधनों से मुक्त हैं? क्या इन सामाजिक व्यवस्था में आपका विश्वास नहीं है? अगर है तो आपके द्वारा अगर ये चूज किया गया है इस जमीन को, तो आप एक मीटिंग रखिए, क्या परेशानी है इन लोगों को समझिए, उसके बाद आप कहीं भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि काम तो होना ही है पंचायत में। जो अभी वर्तमान में जो है मुखिया है संजय माझी का जो है औरत है, उन्हीं का माँ यहाँ पे ला करके कितना बार सुअर काटी है, चढ़ाई है ये माँ के स्थान पे, अब वही लोग जो है कि इस टाइम जो है कि भूल गया है और यहाँ पे कचरा का जो है कि अथी बनाने जा रहा है, उनको नहीं सोचना चाहिए कि हमारी माँ खुद हमारे पूरा परिवार जो है कि यहाँ पूजा करते थे लोग, इस टाइम जो है कि पूरा गाँव की औरत जो है कि जो भी है सब आदमी यहाँ पूजा करते हैं, आज जो है कि कचरा का डब्बा पूरा पंचायत का यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये गाँव के लोगों का कहना है कि यहाँ पे नहीं बनना चाहिए और कहीं इससे अच्छा दूसरा जगह गाँव के बाहर जो है ढूंढ लिया जाए, वहाँ पे बनाया जाए, यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, जो है कि गांव का पंचायत का पूरा लोग का। तो इसके लिए आपने कहीं आवेदन तो अभी तक नहीं दिया ना, इसके लिए आवेदन दीजिए। नहीं दिए हैं, लेकिन मालूम हुआ है लोगों ने हमको, कल बताया है तो हमको बुलाया है तो हम भी आए हैं, कैसे से बात यहाँ पे हो रहा जो है की, और आइए देखिए, तो जो है की सबको जो है की नहीं यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, तो आज आवेदन सीओ साहब को बीडीओ साहब को दिया जाएगा, अगर यहाँ से नहीं सुनवाई होगा तो हम डीएम साहब के पास भी जाएंगे, वहाँ पे आवेदन देंगे डीएम साहब को, और जो है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे सब। बिल्कुल ठीक है, जो भी बोले हैं ठीक है, हम लोग भी बोलते हैं कि बगल में छठ है, बगल में मंदिर है, यहाँ पर काम नहीं होना चाहिए कचरा वाला। जी जी, बस यही काम है, अगर वो बनाते हैं तो यहाँ पर उपद्रव मचेगा। जी नहीं, ये सब करने की, देखिए कोई भी काम होता है तो शांति तरह तरीके से होना चाहिए, और तभी उसका कोई समाधान होगा, उग्र होने से समाधान समस्या का नहीं होता क्या मुखिया जी? जी जी सही बात है, जी सही बात है। तो आप लोग सबसे पहले सबसे निवेदन है कि आप लोग बीडीओ साहब को सीओ साहब को आवेदन दीजिए, और मुखिया जी आप भी यहाँ बैठाइए, अपने पूरे पंचायत के वार्ड को बैठाइए, जो भी सम्मानित जनता है उनसे आप राय लीजिए, चूँकि जनता के बदौलत ही आप हैं, जनता है तो आप हैं और जनता से ही आप सब कुछ हैं, तो जनता के खिलाफ ना जाएं, जो जनता कह रही है उसके अनुसार उचित आप भी काम करें और आप लोग भी काम करें, आप लोग जाके आवेदन दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार प्रणाम, देखते रहिए जीजीएन एक सच।